एक बार फिर से स्वागत है आपका नितिन पंजाबी यूट्यूब चैनल पे। मैं पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करता हूँ, पूरे हिंदुस्तान की जानकारी देता हूँ। अभी मैं गया हुआ था अमरनाथ जी यात्रा। मैं जैसे ही अमरनाथ जी यात्रा से बीकानेर आया, मेरे की जयपुर में मैं जाना चाहती हूँ, मेरी इच्छा है, तो मैं इसको जयपुर लेके आया हूँ। और जयपुर के पहले एक रेस्टोरेंट में हम खाना खा रहे हैं, बड़ा शानदार रेस्टोरेंट, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छा लगा मेरे को। एक किंग्स हवेली के नाम से नया रेस्टोरेंट खुला है जो लक्ष्मणगढ़ में पड़ता है, सीकर रोड पर। इस रेस्टोरेंट में एक कढ़ाई पनीर और एक मिक्स वेज ऑर्डर दिया था और दोनों का टेस्ट बहुत बेहतरीन था, बहुत अच्छी क्वालिटी थी। इस होटल में मैंने खाना खाया, खाना भी जेन्युइन रेट का है और बड़े शानदार खाना है, बहुत अच्छा खाना है। मैं आपको यही कहूंगा, जब भी अगर आप जयपुर जाते हैं बीकानेर से या रतनगढ़ से कहीं भी, तो इनके होटल में रुके हैं, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। इनका टॉयलेट भी बहुत क्लीन है, मैंने टॉयलेट भी यूज़ किया, बहुत अच्छी व्यवस्था है। बच्चों के खेलने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। इनसे बात करते हैं, इनसे डिस्कस करते हैं कि कौन सी है। सर आपने यहाँ पे आना हो तो कैसे हैं? यहाँ पे आने के लिए सर आपको बाबजी पेट्रोल पंप सेटो की कोठी लक्ष्मणगढ़ सीकर रोड पे है। लक्ष्मणगढ़ आता है ना, उससे पहले है सीकर रोड पे। लक्ष्मणगढ़ कितना दूर रह जाता है यहाँ से? लक्ष्मणगढ़ यहाँ से 25-30 किलोमीटर 25-30 किलोमीटर पहले है। तो आप आना और खाना खा के बताना और कमेंट करके बताना मुझे मेरे चैनल पे कि आपको खाना कैसा। फिर मिलता हूँ। इस रेस्टोरेंट से खाना खाने के बाद हम जयपुर के लिए दोबारा रवाना हो चुके हैं। जयपुर पहुंचने के बाद में हम कोणार्क होटल में रुके, जो सीधी कैंप बस स्टैंड के पीछे होटल है, बड़ी शानदार होटल है। आप जयपुर आते हैं तो यहाँ पे रुक सकते हैं, और अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। में आना हो तो कैसे आए कोई बंदा? सर ये अपने बस स्टैंड के नियर बाई अपने लाल प्याऊ है। हाँ। लाल प्याऊ के जस्ट अंदर ही गली है, उससे पारिक कॉलेज के पास। हाँ, पारिक कॉलेज रोड। अगर कोई आना चाहे तो सीढ़ी के बस स्टैंड के पीछे है, पारिक कॉलेज के पास में है, कोणार्क होटल है, आप आ सकते हैं। बढ़िया व्यवस्था है, रूम में आपको दिखाई देता हूँ, और खाने पीने की भी यहाँ पे व्यवस्था है, होटल सब सुविधा है। और आप यहाँ पे कोई मीटिंग करना चाहे, मीटिंग हॉल भी है, बहुत अच्छी व्यवस्था।